हेलो बच्चों, इस बार एक वीडियो लेकर आ रहे हैं जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का हमारा सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में केवल मैंने चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टीज बताया था, और इस वीडियो में हम कूलम्स लॉ लेकर आए हैं जिसका वाइड एप्लीकेशन है। और अगर हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अच्छा हो जाता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स के पैटर्न पर ही है और साथ साथ मैग्नेटिक फोर्स के पैटर्न पर भी है, जो कि आगे हम पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को गौर से देखना है, सीखना है, क्योंकि यहीं से न्यूमेरिकल अप्रोच हमारा शुरू होता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमने हेडिंग दिया है और कूलम्स लॉ है, लेकिन कूलम्स लॉ जो दिया गया है उसके बारे में पहले जानना है कि इट इज एन एक्सपेरिमेंटल लॉ वेरीफाइड बाय ए टॉर्सनल बैलेंस वेरीफाइड बाई ए टॉर्सनल बैलेंस, जिसकी चर्चा हम लोग शुरू में भी करते हैं कि टॉर्सनल बैलेंस जो है, देखिए पूरे जो हम बैलेंस लेते हैं वो तीन तरह का होता है। एक हमारा स्प्रिंग बैलेंस है जो आपके सिलेबस में है, तो एक हमारा स्प्रिंग बैलेंस है, एक हमारा बीम बैलेंस है, और एक जो हमारा है वो टॉर्सनल बैलेंस है। तो पूरे सिलेबस में तीन तरह का ये लिया गया है आपका, जिसमें स्प्रिंग बैलेंस का इस्तेमाल क्या होता है कि इनर्शियल मास के मेजरमेंट में, मतलब टू मेजर द इनर्शियल मास। इनर्शियल मास मतलब कि जब बॉडी मोशन में रहता है तो उसके मास का मेजरमेंट हम उससे करते हैं, तो इनर्शियल मास का मेजरमेंट इसमें हो गया कि टू मेजर द ग्रेविटेशनल मास। टू मेजर द ग्रेविटेशनल मास, तो दो स्प्रिंग बैलेंस, ये दो बैलेंस तो मैंने जान गए, एक स्प्रिंग बैलेंस एक बीम बैलेंस, और दोनों का काम ये है। टॉर्सनल बैलेंस का यूज क्या है, टू वेरीफाई अब फर्स्ट में है ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तो ग्रेविटेशनल लॉ को वेरीफाई करने के लिए जो कि न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ है, सेकेंड में हमारा है कूलम्स लॉ, यानी इसको वेरीफाई करने के लिए। तो बच्चों याद रखना है कि स्प्रिंग बैलेंस का हम यूज करते हैं इनर्शियल मास के मेजरमेंट में, बीम बैलेंस का यूज करते हैं ग्रेविटेशनल मास के मेजरमेंट में, और टॉर्सनल बैलेंस का इस्तेमाल दो जगह होता है, एक तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को वेरीफाई करने के लिए और एक हमारा कूलम्स लॉ है। और ये आईटी के क्वेश्चन भी रहे हैं, इसलिए बगल में लिख दे रहे हैं कि आईटी में पूछा जा चुका है कि कूलम्स लॉ इज एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड बाय, तो चार चॉइस दिया हुआ रहता है जिसमें स्प्रिंग बैलेंस, बीम बैलेंस, टॉर्सनल बैलेंस और ऑल रहेगा, तो ऐसे परिस्थिति में हमको टॉर्सनल बैलेंस को टिक आउट करना है। मैथमेटिकली इसका वेरिफिकेशन किसने किया था, तो कूलम्स लॉ इज मैथमेटिकली, कूलम्स लॉ इज मैथमेटिकली प्रूव्ड बाय कार्ल फ्रेडरिक गॉस। ये बहुत महान व्यक्ति थे, मैथमेटिशियन भी थे, फिजिसिस्ट भी थे, और इसने इसका मैथमेटिकल प्रूफ दिया था। और गॉस थ्योरम एक स्पेशल आएगा जिसमें हम लोग गॉस का ओपिनियन जानेंगे। वैसे कार्ल फ्रेडरिक गॉस का परिचय मैंने शुरू के क्लासेस में भी दिया है कि कार्ल फ्रेडरिक गॉस जो है वो नर्सरी क्लास में जब थे तो उन्होंने एक फार्मूला का खोज किया था, यानी कि जो फार्मूला पढ़ते हैं n n+1/2, ये जो फार्मूला हम लोग पढ़ते हैं, इस फार्मूला का खोज उन्होंने उसमें दिया था जब अपने खुद नर्सरी क्लास में थे। तो इतने महान व्यक्ति का प्रूफ है मैथमेटिकल, जो कि हम भविष्य में देखेंगे, और इनके नाम से एक चैप्टर भी है आपके सिलेबस में जो कि हमारा गॉस थ्योरम है, तो गॉस थ्योरम भी हम लोग सीखेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हमारा है कूलम्स लॉ पर ध्यान। तो कूलम्स लॉ में अब क्या स्टेटमेंट था, तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड लेते हैं, हम सीधा सीधा पहले बात करते हैं कि ये हमारा Q1 है, ये हमारा Q2 है, और ये दोनों के बीच में गैपिंग R है। अब कूलम्स लॉ के अनुसार क्या होता है, तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन क्यू वन एंड क्यू टू इज, फर्स्ट पॉइंट में है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस इन द वेरी सिमिलर फैशन ऑफ ग्रेविटेशनल लॉ. तो दैट मीन्स हो गया कि अभ्यर्य जो होंगे वो क्यू वन क्यू टू, और ये भी प्रोपोर्शनल बैलेंस से ही किया गया था. और सेकेंड में क्या है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ देयर सेपरेशन, स्क्वायर ऑफ देयर सेपरेशन. दैट मीन्स हो गया कि एवरेज वन बाई आर स्क्वायर. देखिए एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टार्टिंग लिए हैं कि अगर दो चार्ज कहीं भी रखा हुआ है सर्टेन डिस्टेंस आर पर, जिसका मान हमारा के वन के टू है, दोनों के बीच में अगर फोर्स निकालना चाहते हैं तो कूलम्स लॉ के अनुसार है कि फोर्स जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेज होते हैं, जो कि पहला पॉइंट था. और सेकेंड पॉइंट में हमारा था कि एवरेज वन बाई आर स्क्वायर होता है. अब फ्रॉम दीज टू, अगर फ्रॉम दीज टू फर्स्ट एंड सेकेंड अगर ये दोनों को एक साथ कंबाइन कर देते हैं तो हम क्या पाते हैं कि एवरेज जो होता है वो हमारा क्यू वन क्यू टू बटे आर स्क्वायर होते हैं. ये हो गया जनरल स्टेप. अब प्रोपोर्शनल के साइन को जब हटाएंगे तो कोई ना कोई कॉन्स्टेंट जरूर आएगा. तो यहां से एफ बराबर हो गया वन बटा फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर क्यू वन क्यू टू बटे आर स्क्वायर. देखिये ये फॉर्मूला हो गया इन जनरल. अब इसी फॉर्मूला को लेकर हमको बहुत सारा कॉमेंट करना है और वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि फोर्स पर बाइड एप्लीकेशन हम सिखाने जा रहे हैं. इतना तो किताबी भाषा हो गया जो कि हर किताब में अवेलेबल है. अब इसको हम कैसे एक्सटेंशन में डालें और क्या यहाँ से नॉलेज रखें, तो थोड़ा सा यहाँ पर अभी सपोर्ट में ऐसी डालते हैं कि एप्सिलॉन जीरो जो है ये कहलाता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी. इसका मान फिक्स है कि 8.85 इंटू 10 to power -12, 10 to power -12 एसआई यूनिट में है. इसका मतलब कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. तो ये हमारा अगर हम इसका देखें वैल्यू तो ये डाटा फिक्स है. एप्सिलॉन आर जो है ये रिलेटिव परमिटिविटी है, रिलेटिव परमिटिविटी, या इसी को कहा जाता है डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी. इसी का नाम है डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसको हम लोग कैसे भी दिखाते हैं, जो कि कैपेसिटर चैप्टर में जाके इसका पूरा वाइड एप्लीकेशन पढ़ना है. अब इसका वैल्यू जो है मीडियम टू मीडियम चेंज होता है. तो इधर लिख दे रहे हैं कि फॉर एयर, अगर एयर के लिए लें तो के इज इक्वल टू हमारा वन होता है, अगर वाटर के लिए लें तो के इज इक्वल टू हमारा 81 होता है, अगर मेटल के लिए लें हम तो के बराबर जो होता है इन्फिनिटी होता है. इस टाइप से वैल्यू इसका चेंज होगा और ये बातें आपको याद रखनी है. अब यदि एयर में हम इसको लिखना चाहते हैं इस फॉर्मूला को, तो इन एयर हमारा जो फॉर्मूला हो जाएगा ये बराबर हो जाएगा वन बटा फोर पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू वन के टू बटे आर स्क्वायर, क्योंकि एयर में एप्सिलॉन आर का मान वन हो गया. अब यहां भी नोट करने लायक है कि वेयर वन बटा फोर पाई एप्सिलॉन जीरो जो होंगे वो 9 × 10⁻⁹ होंगे, एसआई यूनिट में ही होंगे. तो एसआई लिख देते हैं कि एसआई यूनिट में होंगे. तो बच्चों अगर प्रॉब्लम बनाना है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड वन बटा फोर पाई एप्सिलॉन जीरो का मान याद रखिएगा और देख लीजिए अगर क्वेश्चन बनाने वक्त कि एयर है कि अनदर मीडियम है. अगर एयर है तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, अगर कोई मीडियम है तो मीडियम का वैल्यू दिया हुआ रहेगा डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट का और उसके आधार पर करेंगे.
तो इतना हुआ जनरल बातें, एक बार फिर से समझा दें कि कूलम्ब्स लॉ का जो स्टेटमेंट है वो मैंने डाला, और एक्सपेरिमेंटल लॉ है जिसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन टॉर्सनल बैलेंस से होता है। अगर दो चार सर्टेन डिस्टेंस पर रखा हुआ है और उसमें फोर्स अगर हमको निकालना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो फोर्स जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेज होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द सेपरेशन होता है, और इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं तो एक कॉन्स्टेंट आता है। सब सब एक्सपेरिमेंटली निकाला हुआ है। और यहाँ से हमने दो चीज समझा कि एप्सिलॉन जीरो का मान कितना होता है, एप्सिलॉन का आर का मान क्या होता है, और वहां से एयर में अगर निकालना है तब क्या होता है। लेकिन बोर्ड में कभी कभी क्या होता है ना कि एप्सिलॉन जीरो का डायमेंशन पूछ देता है, तो थोड़ा सा यहाँ टास्क है कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन जीरो ये थोड़ा सा निकाल कर रख लेना, क्योंकि बोर्ड का एग्जाम देखना है, आईटी देखना है, और उसका मेडिकल भी देखना है, तो शुरू से ही तैयारी करते रहनी है, और स्टेट जैसे सिखा रहे हैं वैसे सिखाना। लेकिन क्या है कि इतना जानने के बाद हमारा सिंपल प्रॉब्लम भी बनाने में दिक्कत होगी, इसलिए थोड़ा सा इसका एप्लीकेशन देखें कि क्या क्या हमको इसमें सीखना था। तो एप्लीकेशन हेडिंग दे रहे हैं कि एप्लीकेशन एंड रेस्ट्रिक्शन ऑफ कूलम्स लॉ। देखिए शुरू से ही मैं समझाते रहा हूं कि जब भी कोई चीज पढ़िए तो उसका एप्लीकेशन और रेस्ट्रिक्शन जरूर देखिए, क्योंकि यही चीज जो है प्रॉब्लम तक आपको ले जाएगा, और सीधा पढ़ाई पढ़ने से प्रॉब्लम तो नहीं बनेंगे। तो थोड़ा सा हमको सीखना है कि भाई फोर्स निकालना है तो क्या करना है। अब जैसे मान लिया कि हम ले लेते हैं फर्स्ट पॉइंट में कि मिनिमम सेपरेशन कितना तक वैलिड होगा, मैक्सिमम सेपरेशन कहां तक वैलिड होगा। तो कूलम्स लॉ होल्ड्स अप टू मिनिमम सेपरेशन ऑफ 10^-15 मीटर, यानी मिनिमम सेपरेशन कहाँ तक होल्ड करेगा, तो 10^-15 मीटर तक, जो कि मोलिकुलर डायमीटर भी होता है। तो यह हमारा मोलिकुलर डायमीटर होता है, इसके अगर अंदर आप जाते हैं तो न्यूक्लियर फोर्स एग्जिस्ट करता है, इसलिए इसका मिनिमम सेपरेशन जो है इतना होता है। लेकिन दूसरा पॉइंट कि मैक्सिमम सेपरेशन जिस पर स्टार दे रहे हैं और DCTL के किताब के अनुसार ही लिख रहे हैं कि देयर इज नो आइडिया, देयर इज नो परफेक्ट आइडिया अबाउट द वैलिडिटी ऑफ कूलम्स लॉ फॉर द मैक्सिमम सेपरेशन, और द मैक्सिमम सेपरेशन। देखिए बहुत सारा किताब लिखता है कि इट होल्ड्स गुड अप टू सेवरल किलोमीटर, तो सब शब्द हम नहीं डाल रहे हैं और सीधा लिख रहे हैं DCTL के अनुसार ही, कि एक बुक में लिखा हुआ है कि देर इज नो परफेक्ट आइडिया अबाउट द वैलिडिटी ऑफ कूलम्स लॉ फॉर द मैक्सिमम सेपरेशन। तो इस बात का ध्यान रखना है कि मिनिमम सेपरेशन तो हमको मालूम है और मैक्सिमम सेपरेशन मालूम नहीं। तीसरा है कि कूलम्स लॉ इज अप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। ये तो ध्यान ही रखना है कि कूलम्ब्स लॉ का जो एप्लीकेशन है वो केवल पॉइंट चार्जेस के लिए है, और अगर कन्फिग्रेशनल बॉडी आ गया तो आपके पास स्टेप हैं कि आप क्या कीजिए ना, कैलकुलस का इस्तेमाल कीजिए और उसके अनुसार निकालिएगा। वो हम करके दिखाएंगे, इसी वीडियो में सब कुछ दिखाएंगे। तो सबसे पहले मिनिमम सेपरेशन कितना, मैक्सिमम सेपरेशन कितना है, इसका रिस्ट्रिक्शन क्या है, कब लगाना है कब नहीं लगाना है। तो अभी तक यही सीखे कि मिनिमम सेपरेशन तो 10^-15 मीटर है, मैक्सिमम सेपरेशन का कोई आइडिया नहीं है, और तीसरा पॉइंट मैंने लिखा है कि केवल पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड होता है। चौथा माइए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स, इज ए कंजर्वेटिव फोर्स
एंड सो कंजर्वेशन लॉज आर एप्लीकेबल। देखिए जितना भी पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स होता है वो हमारा कंजर्वेटिव फोर्स होता है, और जहां भी कंजर्वेटिव फोर्स होता है तो कंजर्वेशन लॉ मतलब हो गया कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आप लगा सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आप लगा सकते हैं। तो जहां कहीं भी प्रॉब्लम बनाने जा रहे हो इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का अगर प्रेजेंस है तो इस परिस्थिति में हम कंजर्वेशन लॉ लगा सकते हैं। पांचवा पॉइंट में आइए, इट इज डायरेक्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज डायरेक्टेड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, एंड टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। ये डायरेक्शन मैंने कहां से दिया है तो बगल में लिख दे रहे हैं कि डायरेक्शन जो होता है ना इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स से आता है। तो ये हमारा क्या है कि कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो इसी वीडियो में हम डालेंगे, तो कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के कंसेप्ट से इसको लाया गया है, इसलिए डायरेक्शन जरूर याद रखिएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रॉब्लम बनाने के लिए, इसको अंडरलाइन भी कर दे रहे हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। इसको क्लियर रखिएगा क्योंकि प्रॉब्लम बनाने में एक से ज्यादा फोर्स जहां कहीं भी रहेंगे तो रिजल्टेंट फोर्स हमको निकालने के लिए इस पॉइंट की जरूरत हमको पड़ेगी। छठा पॉइंट में आइए, इट इज ए वेक्टर, इट इज ए वेक्टर मतलब फोर्स इज ए वेक्टर एंड सो इट फॉलोज द रूल्स ऑफ वेक्टर। रूल्स ऑफ वेक्टर मतलब हो गया कि अगर बहुत ज्यादा फोर्स एक ही जगह है और रिजल्टेंट फोर्स निकालना है तो आप रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं कि अंडर रूट सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा सिग्मा एफ वाई स्क्वायर, जो कि वेक्टर चैप्टर से है कि सारे जितने भी वेक्टर रहेंगे सबका एक्स कंपोनेंट निकाल कर आप ऐड कर दीजिए तो सिग्मा एफ एक्स निकल जाएगा, फिर उसी प्रकार बाई में कीजिए तो सिग्मा एफ वाई निकल जाएगा। तो ये सब वेक्टर वाला रूल आपको लगाना है इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए भी। सातवां माइए, आप यदि ऐसे लेते हैं तीन चार्ज, मान लीजिए एक चार्ज यहाँ है, एक चार्ज यहाँ है और एक चार्ज यहाँ है, और ये साइड अगर एल 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 है और एक इसके सेंट्रॉइड पर एक चार्ज हमारा रखा हुआ जो कि कैपिटल क्यू है, और ये डिस्टेंस सब बराबर होंगे, ये एंगल 30 डिग्री होंगे। तो अगर पूछ देता है कि कैपिटल के ऊपर फोर्स कितना होगा ड्यू टू ऑल द चार्जेस, तो वो जीरो हो जाएंगे क्योंकि वेक्टर में आप जानते हैं कि अगर थ्री वेक्टर थ्री रेगुलर साइड से अगर रिप्रेजेंट किए जाएं तो रिजल्टेंट विल बी जीरो। तो हेयर फोर्स ऑन क्यू ड्यू टू ऑल द चार्जेस इक्वल टू जीरो। तो जितना भी पॉइंट्स लिखा रहे हैं वो प्रॉब्लम बनाने के लिए है, और इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि हम प्रॉब्लम बनाने वक्त इस बातों को पालन करें। आठवां पॉइंट में आइए, जो कि इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इफ ए डायलेक्ट्रिक मटेरियल ऑफ थिकनेस टी एंड डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट and dielectric constant K is placed in between two charges in Q1 and Q2 at the separation R, then the electrostatic force
बिटवीन द चार्जेस देन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द चार्जेस इज गिवेन बाई, अगर कोई डायलेक्ट्रिक मटेरियल जिसका थिकनेस हमको टी दिया हुआ है, डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के दिया हुआ है, और अगर दो चार्ज के बीच में उसको हम प्लेस कर देते हैं तो फोर्स जो हमको लगेगा वो एफ इक्वल टू हो जाएगा 1/4 pi epsilon 0 Q1 Q2 और डिवाइडेड बाई, बच्चों इसको याद रखना है कि आर माइनस टी आप प्लस हो जाएगा रूट के आई इंटू टी इतना का होल स्क्वायर। तो ये आपको फॉर्मूला जैसा ही याद रखना है क्योंकि इफेक्टिव डिस्टेंस जो है वो चेंज होंगे, आर माइनस टी एयर में होगा और मीडियम में जाकर जो डिस्टेंस होंगे वो रूट के इंटू टी हो जाएंगे, इसलिए वहां से डाल दिए गए। नौवां पॉइंट में आइए, फिर नौवां पॉइंट में बताते हैं कि इन वेक्टर फॉर्म, पूरा आप ध्यान से देखते रहें इसको, पूरा हम फोर्स को आगे ले जाएंगे। तो इन वेक्टर फॉर्म, हम वेक्टर फॉर्म में इसको डालेंगे। तो पहला तो ले रहे हैं इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर, इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर, तो इसको तो डायरेक्ट डाल देना कि ये बराबर जो हो जाएंगे वो 1/4 pi epsilon। देखिए बच्चों हम एयर के लिए खाली ले रहे हैं, आप मीडियम रहेगा तो प्लानर लगाइएगा, और ये हो जाएगा Q1 Q2 / r² और r टू द कैप। आपको पता है कि r टू द कैप जो होता है वो r टू द कैप का फॉर्मूला जो होता है वो हमारा मालूम है कि वेक्टर r इटसेल्फ डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ दैट वेक्टर। तो यही चीज आपको यहाँ लगाना था कि r टू द कैप लगा दिए हैं, और b नंबर में है कि b नंबर में हम ले रहे हैं कि यदि मान लिया कि हमारा दो चार्जेज ऐसे रखा हुआ है कि मान लिया एक चार्ज हमारा यहाँ है जो कि Q1 है, दूसरा चार्ज हमारा यहाँ है जो कि Q2 है, और ये पोजीशन है, देखिए ये हमारा R1 है और ये हमारा R2 है, और ये ले रहे हैं कि S है, लेकिन S बराबर हमको मालूम है कि R2 - R1 है। तो ऐसे अगर दो चार्ज रखा हुआ है 122 सिस्टम ले लेते हैं, तो इसमें जब हम फोर्स निकालने जाएंगे तो उसके लिए वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे जो बताते हैं कि फोर्स जब निकालने जाएंगे यहाँ पे तो फोर्स इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1/4 pi epsilon 0 Q1 Q2, और देखिए इसका वैल्यू बैठा देना केवल, तो ये हो जाएगा R2 - R1 और डिवाइडेड बाई R2 - R1 इतना का होल क्यूब। देखिए यहीं से वैल्यू खाली बैठाए हैं कि R² पहले था, और अगर इसको हटाते हैं तो इस टाइप से हमको फॉर्मूला याद रखना है कि R2 - R1 डिवाइडेड बाई R2 - R1 का होल क्यूब हो जाएंगे, क्योंकि एक मॉडुलस R इसको हटाएंगे तो R वेक्टर खुद आएगा, तो R की जगह पर मैंने इतना डाला है, R² पहले था तो R2 - R1 का होल स्क्वायर था, लेकिन एक मॉडुलस R जुटा है। तो ये वेक्टर फॉर्म में यदि कहीं भी बनाना हो तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, और इसको थोड़ा ध्यान में भी रखना है। यह था हमारा नौवा पॉइंट। दसवां पॉइंट में आइए, एप्लीकेशन ही चल रहा है। अब मान लिया कि कह देगा कि कोई चार्ज हमारा क्यू है और इसको दो पार्ट में बांट दिए हैं क्यू और Q-Q में, और दोनों को आर सेपरेशन पर रख दिए हैं। अब हमको पूछा गया क्यू बराबर वाट टू गेट मैक्सिमम फोर्स, टू गेट मैक्सिमम फोर्स बिटवीन द पार्ट्स, बिटवीन द पार्ट्स। तो इस परिस्थिति के लिए क्या करना है कि पहले फोर्स हम निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 pi epsilon 0 आप Q - Q × Q और डिवाइडेड बाई R² अब फॉर मैक्सिमम फोर्स। अगर मैक्सिमम फोर्स हमको करना है तो df आप बटा dQ इक्वल टू 0 कर देंगे, जहां से Q बराबर आ जाएगा Q/2। ये मैंने कैलकुलस, एक हमारा वीडियो था कि कैलकुलस इन द वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स, उसमें भी सिखाया गया था, इसलिए यहाँ डायरेक्ट लिख दिए गए। अगर आपको दिक्कत है तो वहां जाकर आप सीख सकते हैं। आइए 11 नंबर में, 11 नंबर में लेते हैं कि मान लिया कि कोई रिंग है और जिसका रेडियस हमको आर दिया हुआ है, और x डिस्टेंस पर एक चार्ज क्यू रखा हुआ है, मास m है, और इसका चार्ज कैपिटल क्यू।
अब इसके लिए पूछता है कि एक्स बराबर वाट टू गेट मैक्सिमम फोर्स, टू गेट मैक्सिमम फोर्स मतलब एक क्वेश्चन, और दूसरा क्वेश्चन ये पूछ देता है कि इफ आर मच मच ग्रेटर देन एक्स देन फाइंड टाइम पीरियड, देन फाइंड टाइम पीरियड ऑफ हिम। देखिए दो हम प्रॉब्लम लेकर चल रहे हैं और वो सब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में, क्योंकि आजकल इतना बार ये क्वेश्चन पूछा है कंपटीशन में कि ये सब बेसिक पॉइंट्स बन गए हैं कि अलग से इसको प्रॉब्लम्स बनाने की जरूरत नहीं है, बल्कि जब थ्योरिकली सीख रहे हैं उसी वक्त इसको सीख जाना होता है। तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे कि एक स्ट्रिप छोटा सा यहाँ ले रहे हैं डी क्यू, अब इधर से जो फोर्स निकालेंगे वो हमारा हो जाएगा डी एफ, आ ये थीटा है तो ये हमारा थीटा होगा, आ इधर हमारा डी एफ कॉस थीटा आएगा, आ इधर जो एक कंपोनेंट आएंगे वो डी एफ साइन थीटा आएंगे, लेकिन सिमेट्री के कारण ये कैंसिल हो जाएगा। तो डायरेक्ट लिख रहे हैं कि फोर्स अगर निकालना है तो फोर्स निकालने के लिए इंटीग्रेशन डी एफ कॉस थीटा करेंगे, और यहां से हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 डी क्यू आई इंटू क्यू आर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस हमारा है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, तो स्क्वायरिंग करेंगे तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आई इंटू कॉस थीटा का वैल्यू बैठाएंगे तो हो जाएगा एक्स बटा हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से यदि हम एफ निकालते हैं तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और क्यू क्यू एक्स आर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और पावर हो जाएंगे 3/2। तो ये हमारा फोर्स इतना निकल गया। अब हमारा दो क्वेश्चन है कि भाई फोर्स हम मैक्सिमम कैसे करेंगे, तो इसके लिए ए फर्स्ट पार्ट के लिए ले रहे हैं कि फॉर मैक्सिमम फोर्स डीएफ अब बटा डीएक्स इक्वल टू 0 कर देंगे। अब यहां से हमारा हो जाएगा कि डी बटा डीएक्स, इधर जो कॉन्स्टेंट उसको हटा दे रहे हैं तो एक्स बटा हो जाएगा आर स्क्वायर आप प्लस एक्स स्क्वायर पर पावर 3/2 आ इतना इक्वल टू 0। देखिए कैलकुलेशन तो वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स में ये सब किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर एक बार फिर से हम स्टेप दिखा दिए हैं कि आपको आगे बढ़ना कैसे है। अब इसको डिफ्रेंशिएट जब करेंगे तो देखिए यू का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा इंटू भी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर पावर 3/2, माइनस भी का डिफ्रेंशिएशन तो 3/2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आर 3/2 माइनस 1 इंटू अंदर में जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन तो 2x, इंटू यू करना है तो इंटू एक्स और डिवाइडेड बाई भी स्क्वायर करना था लेकिन उस साइड में 0 होगा इसलिए यहाँ से चले जाएंगे। अब 2 से 2 कट जाएगा, बच जाएगा हमको क्या कि आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर पावर 3/2 इधर है, इधर हमारा हो गया है 3 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर पावर 1/2 आ इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से ये जो है ये पूरा कट जाएगा यहाँ से, तो ये यहाँ से कट जाएंगे और जो बच जाएगा वो हमारा हो जाएगा कि 3 एक्स स्क्वायर, देखिए इधर है एक्स स्क्वायर उधर ले जाएंगे तो 2 एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा आर स्क्वायर, इसलिए एक्स बराबर हो जाएगा प्लस माइनस आर बाई रूट टू। तो ये मैक्सिमम के लिए हमको निकल गया और ये सब कैलकुलस इन द वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स में हमारा डाला हुआ है, एक बार फिर से उसको रिपीट कर दिए हैं। अब टाइम पीरियड निकालना है, सेकंड पॉइंट में आइए कि फॉर द टाइम पीरियड, फॉर टाइम पीरियड इसके लिए क्या करना है कि कंडीशन दिया हुआ है कि व्हेन आर मच मच ग्रेटर देन एक्स देन फोर्स इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू क्यू एक्स आर डिवाइडेड बाय हो जाएंगे आर क्यू, इसी को एम ओमेगा स्क्वायर एक्स के बराबर कर देना है, जहां से आपको ओमेगा निकाल लेना है ओमेगा बराबर 2π/T कर देना है, जो डाटा इधर से निकलेगा उसको बराबर करके टाइम पीरियड निकाल लेना है। तो ये हमारा था 10वां पॉइंट। आइए 11वां पॉइंट में आगे बढ़े, ये सबको थ्योरी ही समझना है, आजकल इतना आ चुका है कंपटीशन में
कि सब थ्योरी में डाल के आप आगे बढ़ सकते हैं, इतना बेसिक है ये, प्रैक्टिस के लिए नहीं है कि प्रॉब्लम प्रैक्टिस में है। तो 10वां नंबर पॉइंट में आइए कि एक हमारा ऐसे सीलिंग है, दो स्ट्रिंग डाला हुआ है, इसमें चार्ज क्यू है मासेम है, इसमें चार्ज क्यू है मासेम है, और ये एंगल हमारा थीटा है, और सिस्टम अभी इक्विलिब्रियम में है, सिस्टम जो है इक्विलिब्रियम में है, तो यहां से थीटा का मान हम निकालना चाहते हैं। तो इसके लिए क्या करना है कि देखिए इधर एमजी लग रहा है, टेंशन टी इधर लग रहे हैं, इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, और ये थीटा है तो ये एंगल थीटा हो जाएगा, तो टी कॉस थीटा इधर हो जाएंगे, टी साइन थीटा इधर हो जाएगा, और इधर हमारा एफ ई आ जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो यहां पर डालेंगे कि एफ ई बराबर जो हो जाएगा वो जाएगा टी साइन थीटा, इक्वेशन फर्स्ट, और एम जी बराबर हो जाएगा टी कॉस थीटा, ये हो जाएंगे इक्वेशन सेकेंड। दोनों को डिवाइड कर देंगे तो टेन थीटा बराबर आ जाएगा एफ ई आर डिवाइडेड बाई एम जी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको डायरेक्ट एकदम कंसेप्ट में ही याद रखना है, इसको प्रॉब्लम कौन समझना है और थ्योरी ज्यादा समझना है। आइए 11 नंबर में, फिर वही ले रहे हैं कि ये हमारा ऐसे दो स्ट्रिंग है और ये एंगल थीटा ही है, मास सेम है चार्ज क्यू है, मास सेम है चार्ज क्यू है, और ये हमारा अभी एयर में है और इक्विलिब्रियम में है, ये सब डाला हुआ है कि इक्विलिब्रियम में है। अब इसमें लिख रहे हैं कि फोल्ड द सेटअप, डेंसिटी ले लेते हैं कि सिग्मा है, मास के जगह पर डेंसिटी ले लेते हैं। तो इफ द होल सेटअप इज ब्राउट inside liquid of density rho, then without disturbing the equilibrium, without disturbing, without disturbing the equilibrium, without disturbing the equilibrium, then the dielectric constant, then the dielectric constant K of the liquid is given by के बराबर हो जाएगा डेंसिटी ऑफ द बॉडी डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ डेंसिटी। एकदम डायरेक्ट एज ए फॉर्मूला ही याद रखना है कि के बराबर हो जाएगा सिग्मा बटे सिग्मा माइनस रो। तो बच्चों इसको एक बार फिर से समझा दें कि मान लिया दो स्ट्रिंग है, इक्वल लेंथ का हमारा है, इक्विलिब्रियम में सिस्टम है, और बॉडी जो चार्ज बॉडी है उसका डेंसिटी आपको सिग्मा दिया हुआ है। अगर ये एयर में इक्विलिब्रियम में है, इसको होल सेटअप को एक लिक्विड में ले जाते हैं जिसका डेंसिटी रो है, और डिस्टर्बिंग नहीं करते हैं इक्विलिब्रियम को, विदाउट डिस्टर्बिंग द इक्विलिब्रियम है, देन डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द लिक्विड अगर निकालना है तो इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। ये हमारा 11 नंबर था। 12 नंबर में आइए, यही सब याद रखना है, खाली फोर्स कूलम्स ला पढ़ने से कुछ नहीं होंगे। तो 12 नंबर में आइए, फिर ले रहे हैं कि ये हमारा स्ट्रिंग है, इक्वल लेंथ का है, मास सेम है चार्ज क्यू है, मास सेम चार्ज क्यू है, और ये एंगल थीटा है, अभी भी एयर में है, इन एयर, और इक्विलिब्रियम मेंटेन है, इक्विलिब्रियम हमारा मेंटेन है। अब इसको देखिए कि इफ होल सेटअप इज ब्राउट इन स्पेस, अगर अंतरिक्ष में लेके चले जाते हैं, देन एंगल बिटवीन द चार्जेस जो हो जाएंगे,
वो हो जाएगा 180 डिग्री, फोर्स बिटवीन द चार्जेस जो होंगे, फोर्स बिटवीन द चार्जेस ये हो जाएंगे 1/4 pi epsilon 0 क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय, देखे दोनों के बीच का गैपिंग, ये भी सीधा हो जाएगा, ये भी सीधा हो जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा, क्योंकि डेथ हमारा जीरो हो जाएगा, स्पेस में जाएंगे तो ये हो जाएगा 2L का होल स्क्वायर। तो इतना हमको याद रखना है इधर से। आइए 13 नंबर पॉइंट में जाने। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, अब इसका हम एप्लीकेशन आगे बढ़ाते हैं कि टू फाइंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर हम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जानना चाहते हैं तो फॉर दिस mv² / r जो है सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, कि यदि कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस है तो सेंट्रीपिटल फोर्स उस पर लगेंगे mv² / r, और यहां से क्या करेंगे कि 1/4 pi epsilon 0 और e jd r/r² कर देंगे, और यहां से हम वेलोसिटी निकाल लेंगे, जो आएगा वो आंसर होंगे। तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है तो ये काम करना है। चौदह नंबर में आइए। टू गेट इक्विलिब्रियम, कभी कभी आपको क्वेश्चन दे देता है कि इक्विलिब्रियम निकालने के लिए, जिसमें पहला केस हमारा है कि दो चार्ज हैं, ये हमारा Q1 है, ये Q2 है, और दोनों के बीच का गैपिंग d है। अब दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि फाइंड, फर्स्ट में है द पोजिशन ऑफ थर्ड चार्ज प्लेस्ड बिटवीन देम टू गेट इक्विलिब्रियम, एक क्वेश्चन हुआ। और सेकंड में है कि फाइंड द नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ थर्ड चार्ज, जो हमने दोनों के बीच में प्लेस किया है उसी का। ये सब फिर एक बार समझा दें कि क्वेश्चन कम है और कंसेप्ट ज्यादा है, इसलिए आप इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में ही सबको डाल देते हैं, ताकि आप कन्फर्म रहे कि हमको ये सब अलग से प्रॉब्लम प्रैक्टिस नहीं है, बल्कि इतना हर हालत में हमको याद रखना है। और इतना याद रख के जाते हैं, अगर या समझ के जाते हैं तो बहुत आसान हो जाएगा। अब देखिए फर्स्ट पार्ट के लिए कर रहे हैं कि ऐसे चार्ज हमारा रखा हुआ था, Q1 Q2 d डिस्टेंस थे। अब मान लिया थर्ड चार्ज मैंने यहाँ प्लेस कर दिया जो कि क्यू है, तो इसके कारण जो इस पर फोर्स लग रहा है F1, और इसके कारण जो फोर्स इस पर लग रहा है F2, और ये मान लिया इधर से डिस्टेंस x पर था, तो दोनों फोर्स को बराबर कर दीजिए। तो फॉर दिस F1 = F2, और यहां से 1/4 pi epsilon 0 Q1Q/x² बराबर हो जाएगा 1/4 pi epsilon 0 आप Q2Q/d-x² 1/4 pi epsilon 0 1/4 pi epsilon 0 Q Q ये हटा देंगे। अब देखिए बच्चों यहाँ a-b² में मत उसको तोड़ दीजिएगा। अब यहाँ से हम रूट ले लेते हैं, तो हो जाएगा √Q1/x बराबर हो जाएगा √Q2/d-x। अब यहां से क्या करेंगे कि d-x/x बराबर √Q2/ हो जाएगा √Q1। अब इसको आगे अगर बढ़ाते हैं तो d/x इधर रखते हैं, तो d/x उधर देखिए क्या हो जाएगा, 1+ में जाएगा, तो हो जाएगा √Q1 प्लस √Q2 √Q1। इधर हम +1 किए हैं, तो +1 जब करेंगे तो LCM लेंगे, तो इतना हमारा हो गया। अब यहां से x निकाल लेंगे, अब यहां से x जो निकाल लेंगे वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो अगर x यहां से निकालते हैं तो x बराबर हो जाएगा √Q1 × d/√Q1 + √Q2।
तो यहाँ से एक्स निकाल लिए, एक्स निकल गया। अब हमारा सेकेंड पार्ट में है, ये था फर्स्ट पार्ट के पोजीशन ऑफ थर्ड चार्ज जो कि दोनों के बीच में कहाँ पर रखें ताकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे। तो ये हमारा था एक। अब इसी में सेकेंड पोजीशन में आइए कि सेकेंड पॉइंट में क्या है कि नेचर एंड मैग्नीट्यूड निकालना है, तो इसके लिए क्या करना है कि यहाँ क्यू वन हो गया, क्यू टू हो गया, मान लिया यहाँ पर थर्ड चार्ज मैंने रखा था और यहाँ से एक डिस्टेंस पर रखा था, इधर हमारा डी माइनस एक्स था। अब देखिए इसके कारण जो इस पर फोर्स लग रहा है एफ वन, और इसके कारण जो इस पर फोर्स लग रहा है एफ टू, क्योंकि नेचर भी निकालना है तो एफ वन प्लस एफ टू इक्वल टू जीरो कर देना और वहां से चार्ज का नेचर और मैग्नीट्यूड दोनों निकल जाएगा। तो फॉर दिस एफ वन प्लस एफ टू इक्वल टू जीरो करना है। अब यहां से जाएंगे वन बटा फोर पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू वन क्यू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन बटा फोर पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू वन क्यू टू बटे डी स्क्वायर आई इक्वल टू हो जाएगा जीरो। अब वन बटा फोर पाई एप्सिलॉन जीरो यहाँ से कटेंगे, क्यू वन से क्यू वन कट जाएंगे। अब यहाँ से अगर हम क्यू निकालना चाहते हैं तो क्यू बराबर हो जाएगा माइनस क्यू टू, इधर एक्स को ले जाएंगे तो एक्स बटा डी का होल स्क्वायर, और एक्स का वैल्यू पहले से आपको मालूम है उसको बैठा दीजिएगा। तो ये हमारा इक्विलिब्रियम निकालने का था, लेकिन कब ये था ये कंडीशन याद रखना है कि जब दो एक्सट्रीमिटीज था सेम नेचर का। अब इसी में एक केस और था, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट माने जाते हैं। तो दूसरा केस में था कि अगर दो चार्ज हमारा है, मान ले एक प्लस क्यू वन है और यहाँ पर माइनस क्यू टू है और दोनों के बीच का डिस्टेंस डी है, और सेटर ने बोला है कि फाइंड द पोजिशन ऑफ थर्ड चार्ज टू गेट द इक्विलिब्रियम। और कंडीशन दिया है कि इफ क्यू वन ग्रेटर देन क्यू टू, ये लिखा हुआ है। अब ये इसमें अगर इक्विलिब्रियम की तलाश आपको करनी है तो आपको क्या करना होगा जो समझाते हैं। देखिए याद रखना है कि एस्टिमेटी अगर सेम नेचर का है तब तो हम बीच में कहीं डालेंगे, लेकिन अपोजिट नेचर का अगर है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि इधर हमारा Q1 है, इधर माइनस Q2 है और ये डिस्टेंस d है, और अगर यहाँ पर देखिए एस्टिमेटी जब सेम नेचर का हो तो बीच में डालेंगे, लेकिन अपोजिट नेचर का हो तो आउटसाइड द सिस्टम डालेंगे बाहर में, लेकिन किधर डालेंगे, जिधर वीक चार्ज होंगे। देखिए यहाँ सेटर साफ तौर पर बोला कि Q1 ग्रेटर देन Q2 है तो वीक चार्ज हमारा ये है, तो यहीं पर एक क्यू डालेंगे। अब इसके कारण जो इस पर फोर्स लग रहा है, मान लिया कि एफ वन है, और इसके कारण जो इस पर फोर्स लग रहा है वो मान लिया कि एफ टू है, तो एफ वन बराबर कर देंगे एफ टू, और यहां से हो जाएगा वन बटा फोर पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू वन क्यू टू, मतलब क्यू वन क्यू, देखिए क्यू वन क्यू डिवाइडेड बाई डी प्लस एक्स, यहाँ से एक्स डिस्टेंस लिए तो डी प्लस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा वन बटा फोर पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू टू क्यू डिवाइडेड बाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से वन बटा फोर पाई एप्सिलॉन जीरो कर गया, क्यू से क्यू कट गया, अब यहाँ से एक्स निकालना है तो रूट क्यू वन बटा डी प्लस एक्स बराबर हो जाएगा रूट क्यू टू डिवाइडेड बाई एक्स। अब यहाँ से आप एक्स निकाल लेंगे, यही आपका हो जाएगा। तो ये मेरा 13वां पॉइंट था, आइए 14वां पॉइंट की ओर चलें। पूरा एकदम क्लियरेंस दे रखिए कि हमको करना क्या है। तो बच्चों एक बार पूरा का पूरा वीडियो जरूर आप देखिएगा, क्योंकि बीच में आकर सारा एक्सटेंसिव पॉइंट डाले गए हैं। अब है कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कि हमने बीच में डाला था कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स दिया जाता है, तो हम इसको डायरेक्ट यहीं पढ़ लेंगे कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इसी में रहेंगे, अलग से इसके लिए कोई वीडियो नहीं आएंगे। तो इसी जगह हम लोग जान जाएं कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या है, और यही डायरेक्शन क्लियर करता है, इसलिए इसको यहाँ हम डाल रहे हैं कि हर हालत में हमको चाहिए। तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स
पहले हम हेडिंग दे देते हैं कि अब इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स को जाना है, तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इसमें लिखना है कि भाई द कंसेप्ट इज गिवेन बाय, द कंसेप्ट इज गिवेन बाय माइकल फैराडे। ये सब नीट जैसे स्तर के कंपटीशन में आते हैं, तो माइकल फैराडे ने कंसेप्ट दिया था, द कंसेप्ट इज इलुस्ट्रेटेड बाय, द कंसेप्ट इज इलुस्ट्रेटेड बाय गॉस, जो कि हम पीछे लिखे थे कार्ल फ्रेडरिक गॉस। तो देखिए जहां जहां साइंटिस्ट फंसता है वहां वहां गौसा जाते हैं, कूलम्ब्स लॉ को क्लियर करने के लिए गौसा आए थे मैथमेटिकल प्रूफ देने के लिए, यहाँ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स को क्लियर करने के लिए फिर एक बार गौसा आए। अब इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्या है इसको समझने के लिए देखिये, एक चार्ज हम ले रहे हैं प्लस क्यू, ये हमारा एक चार्ज है, इसके सराउंडिंग में इसका हम फील्ड दिखा रहे हैं कि ये हमारा इसका फील्ड है। तो ये सराउंडिंग में इसका फील्ड है जहां तक टेस्ट चार्ज है, इसको हम कहते हैं सोर्स चार्ज, इसका नाम दे देते हैं सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज मतलब होता है कि जो भी इसके फील्ड में आएगा उसके मान से इसका मान बहुत ज्यादा है। अब यहाँ पर हमारा क्या है कि एक चार्ज हमारा क्यू नोट है जो कि हमारा स्मॉल चार्ज है, यानी कि कैपिटल क्यू जो है मच ग्रेटर देन क्यू नोट है। अब इसको इसके फील्ड में अगर लाते हैं तो इसका इस टाइप से एक पाथ बनता है, देखिए ऐसे एक पाथ बनता है, और यही पाथ जो है ना इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कहलाता है। तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्या है कि व्हेन ए टेस्ट चार्ज इज प्रोजेक्टेड इन द रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस बाय ए सोर्स चार्ज देन द पाथ ऑब्टेंड बाय द टेस्ट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के एग्जाम में भी आ सकता है, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से सीखना है कि लिख दे रहे हैं कि व्हेन ए टेस्ट चार्ज जिसको हम लोग क्यू नोट से दिखाते हैं इज प्रोजेक्टेड या इज ब्राउट लिखे इज ब्राउट नियर ए सोर्स चार्ज जो कि हमारा कैपिटल क्यू है, कैपिटल क्यू मच मच ग्रेटर देन क्यू नॉट है, इसलिए इट इज नोन एज सोर्स चार्ज, देन द पाथ ओवरटेंड बाय टेस्ट चार्ज then the path obtained by test charge is known as electric lines of force। तो electric lines of force का सीधा concept हमारा यही है, लेकिन एक line लिखते हैं कि it is a hypothetical path, इट इज ए हाइपोथेटिकल कर्व पाथ, इट इज ए हाइपोथेटिकल कर्व पाथ। अब ब्रैकेट में लिख देते हैं कि नेवर बी स्ट्रेट, कभी भी सीधा नहीं हो सकता, जिसके लिए एनसीईआरटी ने बहुत सारा एग्जांपल्स दिया है कि भाई अगर इसको आप समझना चाहते हैं तो कुछ एग्जांपल्स है जो कि हम भी डाल दे रहे हैं कि अगर आप समझना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्या है, तो एक कर्व पाथ है ऑब्टेंड बाय टेस्ट चार्ज इन द इलेक्ट्रिक इन द रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज। तो एग्जांपल इसका दिए गए कि कैसे आप समझ सकते हैं, तो फर्स्ट में है कि मोशन ऑफ हेजहॉग, देखिए हेजहॉग एक जंगली चूहा है जिसका मांस बहुत ज्यादा होता है, पैर बहुत छोटा होता है, और उसके मोशन का अगर आप देखेंगे तो जब भी वो चलेगा तो कर्व में चलेगा, इसलिए एक एग्जाम्पल ये है। दूसरा है एक्शन ऑफ पार्कोपाइन, पार्कोपाइन एक पक्षी है जिसका पंख काफी सुनहरा होता है, देहरा क्षेत्र में पाया जाता है, यानी कि नदी के किनारे गंगा के किनारे ये सब रहते हैं, और बहुत ही आकर्षक पक्षी होता है, लेकिन पंख बहुत कटीले होते हैं और सेंसिटिवनेस एकदम हाई है, यदि उसके नजदीक आप जाएंगे तो उसका पंख तीव्र गति से फैलेगा, और इसको इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स के रूप में देखा गया था। तीसरा माइए मोशन ऑफ मीडियम पार्टिकल्स, मोशन ऑफ मीडियम पार्टिकल्स
इन द पाथ ऑफ लाइट रे। जब कहीं से लाइट आती है तो उसके पाथ पर में जो मीडियम पार्टिकल्स का वाइब्रेशन होता है, हम जानते हैं कि ट्रांसवर्स है, इसलिए पाथ जब भी होगा तो कर्व होंगे, साइन के ग्राफ जैसा होगा। तो वही हमने इसमें समझाने का कोशिश किया है। चौथा माइए, डांस ऑफ कैंफर ऑन द वाटर सरफेस। ये सब एग्जाम्पल एनसीईआरटी में थे, तो ये क्या है ना कि इतना साफ इलेक्ट्रिक लाइन सब फोर्स को समझ सकते हैं। तो ये था कि इलेक्ट्रिक लाइन सब फोर्स क्या है, जिसका हल्का सा डिफिनेशन दिया गया था एक एग्जिस्टेंस के रूप में। लेकिन बच्चों इतने याद रखना है कि इट नेवर बी अ स्टेट। अब इसका कुछ प्रॉपर्टीज है जो जानना हमको जरूरी है, तो प्रॉपर्टीज में आइए। पहला प्रॉपर्टीज ले रहे हैं कि ये हमारा प्लस क्यू चार्ज है और ये हमारा माइनस क्यू चार्ज है। अब देखिए यहां से इलेक्ट्रिक लाइन सब फोर्स निकलता है और नेगेटिव पर जाता है, ये हमारा रिप्रेजेंटेशन है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का। एकदम यूनिफॉर्म रखना है, यानी गैपिंग अमंग द लाइंस जो है वो सेम होंगे। अब ये दोनों ऐसे सेम तो ये दोनों सेम, ये थोड़ा इतना गैप तो ये थोड़ा इतना गैप, एरो का निशान एकदम एक ही पॉइंट पर डालना है, क्योंकि आता है रिप्रेजेंटेशन भी इसका एक नंबर में। तो ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है। अब देखिए इसमें क्या है कि इट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम ए पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेटेड ऑन नेगेटिव चार्ज। लेकिन इसके कर्व पर, ये जो कर्व है इस पर एक टेंजेंट खींच रहे हैं, और यही टेंजेंट जो है ना फोर्स एंड फील्ड का डायरेक्शन देता है। देखो बच्चों यही सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारा फोर्स और फील्ड की दिशा किधर होगी। तो अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, तो ये टेंजेंट्स दिए गए हैं। अब इसको थोड़ा सा पॉइंट में हम लिखते हैं, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम ए पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेटेड ऑन ए नेगेटिव चार्ज, एज शोन इन द फिगर, जो आपने देखा है। और अगर आप चेंज कर देख देते हैं कि ये टेंजेंट ड्राउन ऑन द कर्व पाथ गिव्स द डायरेक्शन ऑफ force and field as away from positive charge and towards negative charge। तो ये हमारा प्रॉपर्टीज का फर्स्ट था जिसको हम लोगों ने क्लियर देखा है। अब सेकंड में आइए कि मान ले यहाँ प्लस क्यू वन है जो एक चार्ज मैंने लिया है, इधर माइनस क्यू टू है जो दूसरा चार्ज लिया है। अब इसमें इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ऐसे निकला ऐसे गया, दूसरा इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो है वो मान लिया कि ऐसे निकल के ऐसे गया, इधर से भी एक ऐसे दिखाते हैं और एक दूसरा जो है ना ऐसे दिखाते हैं। इधर हमारा ऐसे दिखाते हैं कि दो लाइंस निकला हुआ है, इधर से दो लाइंस निकला हुआ है ऐसे, तो एरो का निशान सब जगह डाल देते हैं। अब देखिए यहां पर क्या है कि ऐसे दिखाया गया कि एक आया, इधर से एक दिखाया गया कि ऐसे आया। अब देखिए नंबर ऑफ लाइंस इधर क्या है, चार चार आठ है, इधर तीन तीन छह है, तो नंबर ऑफ लाइंस में भी परिवर्तन हो सकते हैं।
क्योंकि चार्ज का मैग्नीट्यूड अलग अलग है। पिछला बार जो मैंने लिया था उसमें चार्ज इक्वल मैग्नीट्यूड का था। ये एंगल अगर अल्फा है तो ये एंगल हमारा बीटा है। तो बच्चों फिर से एक बार ध्यान से सीखना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कितना निकलेंगे, ये तो हम बताएंगे आगे प्रॉपर्टीज में ही। लेकिन अगर क्यू वन और क्यू टू लिए हैं आप अलग अलग, तो इधर नंबर ऑफ लाइन्स अलग होंगे, उधर नंबर ऑफ लाइन्स अलग होंगे। क्योंकि चार्ज अलग अलग है मैग्नीट्यूड का, इसलिए नॉन यूनिफॉर्म होंगे। तो ये दोनों गैप बराबर दिखाने का कोशिश नहीं करना है, तो दो वार्निंग के साथ था। अब इसमें थोड़ा सा ये लिखना है कि हेयर क्यू वन वन माइनस कॉस अल्फा बराबर हो जाएंगे क्यू टू और वन माइनस कॉस बीटा। प्रूफ तो नहीं दिए जा रहे हैं क्योंकि कटिंग सेक्शन पढ़ना है इंजीनियरिंग में और उसी से ड्राइव किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर एक स्टार देकर लिख दे रहे हैं कि व्हेन क्यू वन बराबर क्यू टू देन अल्फा बराबर बीटा। ये याद रखना है कि अगर चार्ज हमारा बराबर है तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होंगे उतने एंगल ऑफ इमरजेंस भी होंगे, लेकिन अलग अलग रहा तो ये पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा। ये हमारा सेकेंड प्रॉपर्टीज था। थर्ड प्रॉपर्टीज में आइए। प्रॉपर्टीज देखिए, आईएससी में एक क्वेश्चन आता है प्लस टू के एग्जाम में कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, राइट एंड राइट इस प्रॉपर्टीज, 5 मार्क्स के क्वेश्चन हो सकते हैं। थर्ड पॉइंट अब इसका देखते हैं, इसका थर्ड पॉइंट में लेते हैं प्रॉपर्टीज। देखो बच्चों प्रॉपर्टीज चल रहा है जिसको कि फिर से एक बार बोल दें कि बोर्ड के क्वेश्चन में डायरेक्ट आ सकता है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, राइट एंड राइट इस प्रॉपर्टीज 5 नंबर के क्वेश्चन हो सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन हो सकते हैं। तो थर्ड में है कि मोर क्लोजनेस ऑफ द लाइन, मोर क्लोजनेस ऑफ द लाइन रिप्रेजेंट मोर स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड, मोर स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड। अब देखिए दिखा रहे हैं कि मान लिया लाइन्स ऑफ फोर्स है जिसमें क्लोजनेस जितना ज्यादा होगा उतना ही स्ट्रेंथ ज्यादा होंगे। तो इधर एक लाइन्स, दो लाइन्स, तीन लाइन्स लिए हैं, यहाँ पर एक्स पॉइंट हम लिए हैं। ये मान लिया कि तीन लाइन्स यहाँ भी हैं लेकिन सेपरेशन को बढ़ाया गया है, तो ये हमारा बाई है। अब ये सब आते के डायरेक्ट क्वेश्चन भी है कि यहाँ पर हमारा क्या होगा कि ई आप ग्रेटर देन हो जाएंगे ई वाई, मतलब फील्ड का मान ज्यादा हो जाएगा, मोर क्लोजनेस होंगे तो मोर स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड होंगे। आइए चौथा पॉइंट में देखें। चौथा पॉइंट हमारा है कि मोर नंबर ऑफ लाइन रिप्रेजेंट मोर स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड, मोर स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड। अब जैसे मान लिया देखिए कि एक दो तीन लाइन्स लिए हैं, मान लिया एक्स पॉइंट है, यहां पर हम दो लाइन्स लिए हैं, ये बाई है, और यहां पर एक लाइन्स लिए हैं जो कि जेड है। तो यहां पर क्या हो जाएंगे कि ई एक्स ग्रेटर देन ई वाई हो जाएंगे और ग्रेटर देन हमारा ई जेड हो जाएगा। तो प्रॉपर्टीज याद रखेगा जो कंप्रेशन का पॉइंट भी है। तो ये हमारा फोर्थ पॉइंट था। फिफ्थ पॉइंट में आइए। द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स नेवर बी इंटर्ड इनसाइड ए मेटालिक प्लेट, इन साइड ए मेटालिक प्लेट। मतलब इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कभी भी मेटालिक प्लेट के अंदर नहीं जा सकते, और इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का मान मेटालिक प्लेट के अंदर जो होते हैं ना वो हमारा जीरो होता है। जिसको फोटो में हम दिखा रहे हैं कि एक मान लिया प्लस के चार्ज यहाँ लिए हैं और एक मेटालिक सरफेस लिए हैं। अब देखिए यहाँ ई बराबर जीरो होंगे क्योंकि यहाँ से जो लाइन निकलेगा वो यहीं पे टर्मिनेट हो जाएगा, यानी ऐसे लाइंस आएंगे 90 डिग्री पर टर्मिनेट होगा, ये भी याद रखना है। ये ऐसे आएंगे और ये हमारा ऐसे आ जाएंगे, तो ये 90 डिग्री पर टर्मिनेट हो गया। तो बच्चों इसमें क्या क्या सीखना है कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो होता है वो मेटालिक प्लेट के अंदर नहीं जाता, जिसके कारण मेटालिक प्लेट के इनसाइड में फील्ड ऑलवेज जीरो होते हैं। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स टर्मिनेट होता है सरफेस पर, क्यों हो जाता है सरफेस पर, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है सरफेस पर और ये पॉजिटिव चार्ज से आ रहा है नेगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट होगा।
ये 90 डिग्री पर क्यों होते हैं? क्योंकि अगर सर्टेन एंगल पर हो गए तो फिर इलेक्ट्रॉन मोशन में आ जाएगा, जिससे करंट उत्पन्न हो जाएंगे, और ऐसे फिजिकली पॉसिबल नहीं है। छठा में लिखिए, टू इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, टू इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स नेवर बी इंटरसेक्ट। दो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एक दूसरे को काट नहीं सकते, क्योंकि अगर काट दिए तो एक ही पॉइंट पी पर फील्ड का दो दो डायरेक्शन हो जाएगा। देखिए, इधर भी फील्ड हो जाएंगे और इधर भी फील्ड हो जाएगा, और ये फिजिकली पॉसिबल नहीं है। तो सब क्वेश्चन में आता है कि व्हाई इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स नेवर बी इंटर इनसाइड मेटालिक प्लेट, रीजन आपको एक्सप्लेन करना है। शॉर्ट क्वेश्चन में आता है कि भाई टू इलेक्ट्रिक लाइन सपोज नेवर भी इंटरसेक्ट, तो उसका भी रीजन एक्सप्लेन करना है कि एक ही पॉइंट पर दो फील्ड हो जाएंगे। ये हमारा छठा पॉइंट था। सातवां पॉइंट में आइए, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इमिटेड फ्रॉम ए चार्ज इज इक्वल टू क्यू बटा एप्सिलॉन जीरो, दैट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मतलब कितना नंबर ऑफ लाइन्स निकलेगा किसी चार्ज से, तो उसका मान निकालना हो तो क्यू बटा एप्सिलॉन जीरो होंगे, जिस पर जय मैंने क्वेश्चन भी पूछ चुका है। लेकिन ध्यान रहे हाँ कि मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन्स जो होंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन्स ये हमारा 4π होगा, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो चलो बच्चों, एक कंप्लीट क्वेश्चन था हमारा 14 पॉइंट में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का ही 14 पॉइंट था, जिसमें था इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज। हाँ, ये 15 पॉइंट में आगे चलें। फोर्स पर मेरा इंटेंशन एकदम जारी है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का आप एप्लीकेशन भी देख रहे हैं। तो 15 पॉइंट में आते हैं कि जैसे मान लिया, कह देगा एक हमारा रिंग है और रिंग पर चार्ज हमको क्यू है, एक पॉइंट चार्ज सेंटर पर रखा हुआ है, इसका रेडियस हमको आर दिया हुआ है, और स्ट्रेचिंग फोर्स आपसे पूछा जाएगा कि स्ट्रेचिंग फोर्स का मान कितना होगा। तो स्ट्रेचिंग फोर्स अगर निकालना हो तो करना क्या होता है, फेमस क्वेश्चन है, वैरायटी भी पूछ चुका है। तो इसको बनाने के लिए क्या करना होता है कि एक स्ट्रिप लेना होता है छोटा सा। अब ये छोटा सा स्ट्रिप दिखा रहे हैं, इधर एंगल थीटा ले रहे हैं, इधर एंगल थीटा ले रहे हैं, इसका रेडियस आर है, आर है, तो ये लेंथ जो होगा आर्क लेंथ जो हो जाएंगे वो आर टू थीटा हो जाएगा, और यहाँ सेंटर पर चार्ज क्यों है। देखिए, एक यहां से इसको ऐसे कर दे रहे हैं कि ये एंगल थीटा, तो ये एंगल थीटा है और ये एंगल थीटा है, तो ये एक टेंजेंट टेंजेंशियल फोर्स हम मान लिया कि टी मान लेते हैं, जो सिमेट्रिक कारण इधर भी टेंजेंशियल फोर्स टी दिखाए हैं, और इसको जरा ऐसे डिवाइड कर देते हैं। तो ये एंगल थीटा, तो ये एंगल थीटा, तो 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल हो गया थीटा, तो ये एंगल हो गया थीटा। और देखिए, टी का दो कंपोनेंट होंगे, तो टी कॉस थीटा इधर आएगा, इसका इधर भी टी कॉस थीटा ही आएंगे, और ये सिमेट्री के कारण कैंसिल हो जाएगा। नीचे है हमारा टी साइन थीटा, इधर भी हमारा टी साइन थीटा, और एक फोर्स जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नीचे है। तो बच्चों, अगर आ जाता है कि रिंग है जिस पर चार्ज क्यू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, पॉइंट चार्ज एक क्यू रखा हुआ है, और स्ट्रेचिंग फोर्स बताइए। देखिए, स्ट्रेचिंग फोर्स मतलब टेंजेंशियल फोर्स ही निकालना है, इस बात का ध्यान रखना है कि स्ट्रेचिंग फोर्स हम निकालने जा रहे हैं। तो इसके लिए एक स्ट्रिप लिया गया है, और स्ट्रिप के कारण जो फोर्स लग रहा है, तो यहाँ लिख देते हैं कि हेयर एफ ई बराबर हो जाएगा 2t sin θ। अब एफ ई का मान देने जा रहे हैं, तो 1/4π ε₀, एक क्यू तो ये रहेगा, एक चार्ज इस पर रहेगा, तो इसको ले रहे हैं चार्ज पर यूनिट लेंथ 2πr गुने लेंथ ऑफ द स्ट्रिप r2θ, ये हो गया q1 q2, और डिवाइडेड बाई r2, तो ये हमारा r2 हो गया। तो ये फोर्स एफ ई आ गया, इधर हो जाएगा 2t θ हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि थीटा बहुत छोटा है, इसलिए साइन थीटा थीटा के बराबर हो जाएंगे। तो यहां से क्या क्या हुआ कि 2θ से 2θ कैंसिल हो गए। अब जो बच गया है वही हमारा टेंजेंशियल फोर्स होंगे या स्ट्रेचिंग फोर्स होंगे, ये हो जाएगा 1/4π ε₀। ए आर से ए आर भी कर दीजिएगा, तो क्यू क्यू आर डिवाइडेड बाई, देखिए 2πr² नीचे अभी भी बचा हुआ है,
ये हो जाएगा 2 पाई r² अब यहां से अगर आप ऐसे लिखें तो क्यू क्यू डिवाइडेड बाई 8 पाई स्क्वायर, 8 पाई स्क्वायर और एप्सिलॉन 0 r² यही हमारा टेंजेंशियल फोर्स हो जाएंगे। तो एक तो ये भी हमको पॉइंट में ही डालना था क्योंकि बेसिक ही है और बेसिक में इतना हमको क्लियर रहना चाहिए। देखिए एक बार फिर से समझा देते हैं कि टोटी साइन थीटा सेंटर की ओर है, ये हमारा इसके कारण जो फोर्स वगैरह इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर है, तो हमारा टोटी साइन थीटा इक्वल टू एफ ही हो गए हैं जो कि हमने लिखा। और एफ ही निकालने के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q1 q2 करना था, तो क्यू तो डायरेक्ट दिया हुआ था, इसका चार्ज निकालना था, तो चार्ज पर लेंथ गुने लेंथ ऑफ द स्ट्रिप जो मैंने लिया था और डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर करना था। इधर हमारे टोटल थीटा इसलिए हो गए कि साइन थीटा बहुत छोटा रहता है तो साइन थीटा थीटा बराबर हो जाता है और वहां से टी मैंने निकाल लिया है और ये हमारा स्टेटिंग फोर्स था जो कि 15 नंबर थे। आइए 16 नंबर में, 16 नंबर में पॉइंट है कि मान लिया एक वर्टिकल सर्कुलर पाथ है जिसका हमको रेडियस दिया हुआ है कि आर है और देखिए यहाँ पर एक चार्ज क्यू है और यहाँ पर एक चार्ज कैपिटल क्यू है। अब कहता है कि यहाँ कितना मिनिमम वेलोसिटी दें, यानी वेलोसिटी मिनिमम टू कंप्लीट द सर्कुलर पाथ, टू कंप्लीट द सर्कुलर पाथ। एक क्वेश्चन भी आईटी में आए हुए हैं और सर्कुलर मोशन और इलेक्ट्रोस्टेट को मिलाया गया है, तो अगर हमको फिर से एक बार बोल दें कि एक वर्टिकल सर्कुलर पाथ है जिसका रेडियस हमको आर दिया हुआ है, जिसके सेंटर पर एक कैपिटल क्यू चार्ज रखा हुआ है और यहाँ लोएस्ट पॉइंट पर एक हमारा स्मॉल क्यू चार्ज है, मास हमारा एम है। अब कहता है सेटर के कितना मिनिमम वेलोसिटी दें ताकि एक बार कंप्लीट मोशन हो सके। और ऐसा आप पढ़े होंगे सर्कुलर मोशन में, अगर सर्कुलर यहाँ चार्ज नहीं रहता, यहाँ चार्ज नहीं रहता तो सीधे अंडर रूट 5 r भी हम बोल देते, लेकिन चूंकि चार्ज है इसलिए उसका ध्यान रखना है। तो बच्चों इसको ध्यान से सीखना है कि कैसे हम करते हैं। अगर मिनिमम वेलोसिटी निकालना है तो पहले टॉप पर वेलोसिटी आपको निकालना ही पड़ेगा, तो वेलोसिटी एट टॉप, जब तक टॉप पर नहीं निकालते तो नीचे नहीं निकलेगा, तो वेलोसिटी एट टॉप। अब टॉप पर जब जाएंगे तो देखिए एम जी एक इधर लगेगा, स्प्रिंग से अटैच है, स्प्रिंग से अटैच है तो एक टेंशन टी इधर लगेगा, एक एफ ही फोर्स इधर लगेंगे। तो एट द टॉप जो हम हेयर करके लिख रहे हैं कि और एक सेंटीपिटल फोर्स भी लगेंगे क्योंकि यहाँ कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा, तो मान लिया कि भी मान लेते हैं तो एक सेंटीपिटल फोर्स भी इधर लगेंगे जो कि mv² / r के रूप में होंगे। तो देखो हेयर हम ले रहे हैं कि टी प्लस एम जी माइनस एफ ही इक्वल टू हो जाएगा mvt² / हो जाएंगे आर। भीटी दे रहे हैं वेलोसिटी की, वेलोसिटी है टॉप क्योंकि भी मिनिमम उधर निकालना है, तो टॉप पर क्या है कि टेंशन टी जो है सेंटर की ओर, एम जी सेंटर की ओर और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाहर की ओर, तो टी प्लस एम जी माइनस एफ बराबर mvt² / r। यहाँ mvt² कर देते हैं, बट टेंशन है टॉप जो होता है टेंस टू जीरो होता है, और यदि टेंस टू जीरो हो जाएंगे तो mvt² / r एक ग्रेटर देन इक्वल टू एम जी माइनस एफ ही हो जाएंगे। अब यहां से अगर हम vt² / r करते हैं तो ग्रेटर देन इक्वल टू जी माइनस एफ ही बटा एम आ जाएगा, और यहां से vt अगर निकालते हैं तो ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट आर जी, मतलब आर आज जी माइनस एफ ही बटा एम हो जाएगा। देखिए ये हमको निकल गया है भीटी, यानी वेलोसिटी है टॉप। अब अगर मिनिमम इसको करना है तो भीटी मिनिमम जो हो जाएंगे, जो मिनिमम अगर निकालने बोल दे तो मिनिमम जो हो जाएगा वो हो जाएगा इक्वल टू साइन अंडर रूट हो जाएगा आर आज जी माइनस एफ ही बटा एम। अब मेरा ये रिजल्ट सही है कि गलत है इसको चेक कर सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम जीरो कर दें, चूंकि गायब कर दें अगर चार्ज को, तो जीरो हो जाएगा, तो आ जाएगा अंडर रूट आर जी। ये हो गया टॉप पर वेलोसिटी, तो अगर वेलोसिटी टॉप पर पूछा जाएगा तो इतना करेंगे, लेकिन वेलोसिटी अगर बॉटम में पूछ दिया है तो हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे, क्योंकि बच्चों मैंने शुरू में ही बोला था कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है, और वहां से कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाकर आप वेलोसिटी एट बॉटम निकाल सकते हैं। तो वेलोसिटी एट बॉटम
अगर इसको निकालना है तो बाय यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, शुरू में हमारे पास केवल काइनेटिक एनर्जी है तो हाफ एम ही वस्तु है, हाफ एम भी मिनिमम लिखते हैं, हाफ एम भी मिनिमम का स्क्वायर। टॉप पर जाएंगे तो वहां पर हाफ एम भी टी स्क्वायर, आप प्लस पोटेंशियल एनर्जी जो कि एम जी, और इधर हो जाएगा 2L। यदि 2R लिखे कि रेडिएशन को R दिया हुआ है तो इतना हो गया। अब यहाँ से आप भी टी निकाल लीजिएगा, भी मिनिमम, सॉरी भी मिनिमम निकाल लीजिएगा भी टी का मान पुट करके। तो एक बार फिर से बच्चा समझा दें कि अगर टॉप पर भरोसा पूछता तो हम डायरेक्ट यही दे देते, अगर बॉटम में भरोसा पूछना है तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाकर हम यहाँ से भिन्न मिनिमम निकाल सकते हैं। ये मेरा 16 नंबर पॉइंट था। आइए 17 नंबर पॉइंट में, कभी कभी क्या होता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग होता है, इसके लिए एक पॉइंट डाल रहे हैं कि मान लिया कि ये हमारा हेक्सागोनल एक स्ट्रक्चर है, देखिए आई टी का क्वेश्चन ले रहे हैं कि साइड एल 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 हमको दिया हुआ है, यहाँ पर एक चार्ज क्यू है, यहाँ पर चार्ज क्यू है, यहाँ पर चार्ज क्यू है, यहाँ पर चार्ज क्यू है, और यहाँ पर चार्ज क्यू है, और यहाँ पर एक सेंटर पर चार्ज क्यू रखा हुआ है, लिखा है फोर्स ऑन क्यू इज इक्वल टू वाट। बच्चों को अक्सर हम मैं एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि जब क्लास में दिया जाता है तो बच्चा सब क्या करता है कि आधा फोटो देखता है आधा फोटो नहीं देखता है, और अपने मन से 6 जगह चार्ज बैठा देता है। अगर 6 जगह चार्ज आप बैठा देंगे तो आंसर सीधे 0 हो जाएगा, इसलिए थोड़ा ध्यान रखना है कि आईटी का एक प्रॉब्लम है, 6 जगह चार्ज नहीं है, मात्र 5 जगह ही चार्ज है। अब इसके कारण जो इस पर फोर्स लगेगा कैंसिल हो जाएंगे, इसके कारण जो फोर्स इस पर लगेगा कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन ये दोनों बीच में बच जाएगा और 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स में बट जाता है, इसलिए सीधे हम आंसर लिख दे रहे हैं कि एफ क्यू बराबर जो हो जाएंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू क्यू डिवाइडेड बाई हो जाएंगे एल स्क्वायर। आइए 18 नंबर पॉइंट में, क्वेश्चन बनाने वक्त देखा गया है कि हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों को कंपेरिजन करने के लिए भी आता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में कंपेरिजन कीजिए। अब जैसे हम मान लिया एक एग्जांपल ले रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन के बीच में जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बटा ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको निकालना है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाल दीजिएगा कि हमारा हो जाएगा 9 × 10⁻¹, मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 r² करना है, तो 1.6 × 10⁻¹⁹। इतना ही प्रोटोन का है तो स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर होंगे। फिर आपको ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल लेना है और दोनों का रेशियो निकाल लेना है, इसमें लगाइएगा जी यानी 6.6754 × 10⁻¹₁, और मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो कि 9.1 × 10⁻³¹ देना है, फिर प्रोटॉन का 1.67 × 10⁻²¹ देना है, और डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर करना है। और यहाँ से आपसे पूछा जाएगा कि एफ जी और डिवाइडेड बाई एफ जी कितना है, तो एक एग्जाम्पल मैंने बता दिया है और आपको साथ साथ ये निकालना है कि इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन ये दोनों के बीच में कितना होगा, फिर सेकेंड में निकाल थर्ड में निकालना है प्रोटॉन एंड प्रोटॉन इसके बीच में कितना होगा। तो ये सब डाटा आपको याद रखना है, डायरेक्ट भी निकाल के रख लीजिएगा और उसको याद रखना है। तो एक तो हमारा ये हो गया। 19 नंबर में आइए, कभी कभी देखा गया है कि जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है प्रॉब्लम बताने वक्त, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो हमारा होता है प्रॉब्लम बनाने वक्त जो है ना, ये किसके किसके बराबर हो सकते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारा स्प्रिंग फोर्स के बराबर हो सकता है, जैसे स्प्रिंग फोर्स है तो ये बराबर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रहेगा और उसको केएक्स के बराबर कर देंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रहेंगे तो उसको केएक्स के बराबर करके हम एक्स निकाल सकते हैं। फिर फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर हो सकते हैं, तो फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर हो सकते हैं, तो इसमें 2 स्टेप हो जाएंगे कि एफ ही बराबर हमारा म्यू एम जी हो जाएगा, यदि हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रहा तो एफ ही बराबर हमारा जो है वो म्यू एम जी कॉस थीटा हो जाएंगे,
यदि हमारा इंक्लाइन प्लेन पर रहा तो। मेरा कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के किसी के भी बराबर आप कर सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को। आप क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ लीजिए, पढ़ने के बाद समझिए कि हमसे क्या पूछे गए हैं और इस आधार पर आपको करना है। तो बच्चों पर फिर से कि कूलम्ब लॉ का अप्लीकेशन क्या है, रेस्ट्रिक्शन क्या है, वो मैंने अभी तक समझाया है। अब 20 नंबर में एक रेस्ट्रिक्शन डालिए कि देर इज नो इफेक्ट, देर इज नो इफेक्ट ऑफ थर्ड चार्ज ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। मतलब दो चार्ज है जिसके बीच में कोई फोर्स लग रहा है, और अगर थर्ड चार्ज हम डाल भी देते हैं तो फोर्स के मान पर कोई इफेक्ट हमारा नहीं पड़ेगा। तो लगभग इतना आपको फोर्स के बारे में समझाया गया। फिर से एक बार समझा दें कि कूलम्ब्स लॉ देने का इरादा क्या था, कि कूलम्ब्स लॉ का कंसेप्ट हमको क्लियर करना था, उसका वाइड एप्लीकेशन एक दिखाना था। अब इससे रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, तो आप फोर्स पर हमको विश्वास है कि जितना मैंने आइडिया जनरेट कर दिया इस वीडियो में, जितना आपको दिया गया है, उतना आप आइडिया के सहारे आप किसी भी बुक में उतरिए, कंपटीशन के क्वेश्चन देखिए, आपसे बनना चाहिए। तो उम्मीद करें कि आप इस वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किए हैं तो करिए। लेकिन एक और खास अनुरोध कि वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखिए, शुरू से अंत तक देखिएगा, तभी वीडियो का राज समझ में आएगा कि रियली में हम कहना क्या चाहते थे और करना क्या चाहते थे, और तब बेनिफिशियल भी होंगे। आप ऐसे जैसे तैसे आप देख लेंगे तो समझ में नहीं आएगा। तो इतना इस वीडियो में, धन्यवाद बच्चों।